कैसे भाई लोग, इस वीडियो के अंदर डूम्सडे एक्ट 2 के बारे में मैंने पूरा बताया है। एक्ट 2 बोगदान प्रॉब्लम्स 25,000 खर्च करके स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करिए एवेंजर वाला प्रेप से। इस प्रेप में हमें एक रायोट वैन उठाकर लाना है, जिसमें कि उस हैंगर का की कार्ड है जिसमें एवेंजर रखा हुआ है। एक फ्लाइंग व्हीकल से जाइए, होमिंग का यूज करते हुए जमीन पर के सारा कचरा साफ कर दीजिए। चिंता ना करिए, वैन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एक बार नीचे वाला एरिया क्लियर हो गया, वैन लेकर उसे डिलीवर कर दीजिए। अब हम एवेंजर का सेटअप वाला मिशन स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, यह एवेंजर का सेटअप वाला मिशन डूम्सडे का वन ऑफ हार्डेस्ट मिशन में से एक है। ज्यादा शान पट्टी या डेढ़ होशियारी नहीं करना है हमें यहाँ, नहीं तो खड़े खड़े जगह पर 100 बार मौत होगी। कुछ रूल्स को फॉलो करना है जिससे कि यह मिशन हद से ज्यादा आसान हो जाए। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस तरह के मिशंस मैं 2 प्लेयर में ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि 4 प्लेयर में इसे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओ। अब आप जैसे ही हैंगर में घुसोगे, बत्ती गुल हो जाएगी, एकदम गुप अंधेरा हो जाएगा, चारों तरफ से आपके ऊपर अंधा फायरिंग चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं है। जैसे ही आप अंदर घुसोगे, फटाक से दौड़ लगाकर यहाँ राइट साइड कॉर्नर में चले जाओ, वर्कशॉप के पीछे। एक बार आप मिनी मैप में भी देख लीजिए मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये यहाँ। और यहाँ आते ही तुरंत कंट्रोलर में डीपैड लेफ्ट प्रेस करके नाइट विजन गॉगल एक्टिव कर लीजिए। अब आप सब कुछ देख पा रहे हो, और इस जगह पर आपको चारों ओर से गोलियां नहीं पड़ेगी, बल्कि एक तरफ से ही गोलियां पड़ेगी, जिसका मुंहतोड़ जवाब आप दे सकते हो। आप में से कोई एक हेवी स्नाइपर मार्क 2 वाला निकालेगा थर्मल स्कोप एक्टिव करके, और इधर उधर कोने काबरे में छुपे हुए दुश्मनों को मारेगा। बाकी आप लोग आसपास जो इनेमीज दिख रहे हैं उन्हें क्लियर करिए। हैंगर में इनेमीज इन्फिनाइट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्फिनाइट हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि अपने आसपास के सारे इनेमीज को मार कर ही आगे बढ़ना है, ताकि जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे और ज्यादा इनेमीज स्पॉन होते जाएंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ऊपर जाकर बिजली चालू करनी है। नीचे के आसपास का एरिया क्लियर करके आप में से एक प्लेयर नीचे ही ठहरेगा और नीचे से ही कवर देगा आपको, बाकी सारों को आप अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, यहीं पीछे राइट साइड की ओर सीढ़ियों से होते हुए। ऊपर आते ही जो दिखेगा उसे टपकाइए, टाइम टू टाइम स्नैक्स खाते रहिए। बहुत छोटा सा मिशन है, इसलिए स्नैक खाने में कोई कंजूसी नहीं करना है आपने। इस तरह आगे बढ़ते हुए ऊपर यहाँ पहुंचकर इस लीवर को खींचना है आपने, फिर घूम के आकर दूसरा लीवर। हो गया, बत्ती जल गई, हैंगर रोशन हो गया। इसके बाद अब ये मिशन और भी ज्यादा आसान हो गया। जो भी नामुराद बच रहे सबको मार गिराइए, और हो गया, एवेंजर लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। अगला सेटअप है रेस्क्यू यूएलपी का, जिसके प्रेप में एक फ्लाइंग व्हीकल से सिटी के इधर उधर घूम रहे गुंडों को टपकाइए, और हवा में ही अपना वांटेड लेवल हटा लीजिए। इसके बाद अपार्टमेंट के बाहर अपना फ्लाइंग व्हीकल यहाँ पे खड़ा करके अपार्टमेंट के अंदर जाइए, सारे नामुराद मार गिराइए, और यहाँ से ब्रीफकेस को डिलीवर कर दीजिए। यूएलपी को कहाँ किडनैप करके रखा गया है इसका पता हमें चल गया। अब हमें इसके सेटअप मिशन में एजेंट यूएलपी को रेस्क्यू करने जाना है। 2 टीम होंगे यहाँ, एक अंदर जाकर एजेंट को लाएगा, दूसरा बाहर रहकर लड़ाई करेगा। इस सेटअप के लिए आप इंसर्जेंट पिकअप का इस्तेमाल करिए। सबको मारकर यहाँ इस दरवाजे से अंदर जाना है आपने, तो इंसर्जेंट ठीक यहाँ इस तरह लगा दीजिएगा आप। एक टीम यहाँ से अंदर घुसेगी, और जो दूसरा लुकआउट टीम है उसको टावर पर चढ़कर कवर देने के लिए कहा जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है। तो आप लोग यही इस सीमेंट के बैरियर को कवर के तौर पे यूज करिए, और आराम से टपकाइए सबको। अटैक बजर्ड आएंगे तो उनका चिंता नहीं करिएगा आप, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप पैदल जमीन पर हो तभी आपके ऊपर मिसाइल्स नहीं चलाएंगे। यही आप अगर किसी कार के अंदर बैठे होते, आर्मर्ड क्रूमा में वगैरह, तो ये आपके ऊपर मिसाइल दागते। तो आप फोकस्ड रहिए ग्राउंड पर आने वाले नामुरादों पर, और रेस्क्यू टीम अंदर जाकर कवर लेते हुए जो भी आसपास इनेमीज है उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ेगा। और आराम आराम से कवर लेकर आगे बढ़िए, जल्दबाजी नहीं करना है आपने। आराम आराम से आपके सामने आसपास के इनेमीज को मारते जाइए, स्नैक्स खाते जाइए, और इस तरह आप यूएलपी को लेकर बड़े आसानी से रेस्क्यू कर लोगे। और इसे लेकर बाहर यहीं पर आपकी इंसर्जेंट खड़ी है, आप सारे टीममेट्स इसी इंसर्जेंट में बैठिए और यहाँ से चलते बनिए। अगला सेटअप है साल्वेज हार्ड ड्राइव वाला, जिसका प्रेप और सेटअप मिशन दोनों भी बहुत आसान है। प्रेप में आपको जाकर क्राउड में टियर गैस फेंकना है, जैसे ही दंगा शुरू होगा आरसीवी आएगी, इसे लेकर चलते बनिए। हो गया इसका प्रेप कम्प्लीट। इसका सेटअप मिशन भी ऐसा ही आसान है, जो आरसीवी का ड्राइवर है उसका एक ही ड्यूटी है, गाड़ी चलाना है और पानी का फुब्बारा मारकर आग बुझाना है। इनेमीज को मारना और फाइल्स बटोरने वाला काम आपके साथ वाले
वाले टीम करेंगे। इस तरह थर्ड वाला लोकेशन तक तो सब कुछ बड़े आसानी से हो जाएगा, फोर्थ वाला लोकेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, जिसमें कि आप लेफ्ट से इस वेयरहाउस के एकदम दूर से इधर गोल घूमकर आना है वापस, और सबसे लास्ट वाला लोकेशन ई से शुरू करिएगा। बाकी प्लेयर्स आरसीवी को एज अ कवर भी यूज कर सकते हैं, और ड्राइवर को अगर बुलेट्स लग रही तो वो चाहे तो इंटरेक्शन मेनू में स्नैक्स वाला लिस्ट ओपन करके रख सकता है, और जैसे जैसे गोली लगते रहेगी आप अपना लाइफ बढ़ाते रहिए। इस तरह ये मिशन भी बड़े आसानी से कम्प्लीट हो जाएगा। अगला सेटअप है सबमरीन रेकॉन। इसके दो आसान से प्रेप हैं। पहले में इस वेस्टलैंडर को लाना है जिसमें कि स्टोमबर्ग है, इसके ड्राइवर को मारिए और इस वेस्टलैंडर को ले आइए, और दूसरा प्रेप में ऑपरेसर से इस जगह पर आइए, यहाँ के नामुराद मारिए और यहाँ से इसी उठाइए और वापस ऑपरेसर में बैठकर यहाँ से चलते बनिए। अब इसके सेटअप में आपको जाना है पलीटो बे। रास्ते में ब्रिगेड्स, बजर्ड और इंसर्जेंट का काफिला मिलेगा, इन्हें डिस्ट्रॉय करिए। ये काफी आसान चीज है क्योंकि स्टोमबर्ग की मिसाइल्स की ट्रैकिंग एक्यूरेसी काफी अच्छी है। अंधाधुंध मिसाइल चलाइए, सबको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बस बजर्ड को कोई मौका नहीं दीजिएगा। जल्दी से जल्दी इसे भी डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, नहीं तो यह ससुरी मिसाइल मारती है आप पे। इस तरह आप पलीटो बे के बीच तक पहुंच जाओगे। अब चालू होता है आसान मगर बोरिंग वाला मिशन। पानी के अंदर यह स्टोमबर्ग बहुत ज्यादा स्लो है, एकदम कछुआ है, फिर भी आप अगर इसे पानी के सतह पर रखकर चलाओगे तो थोड़ा फास्ट चलेगी। दो अलग अलग टीम होगी यहाँ, दोनों का काम यही है कि आसपास के लगे इस तरह के माइंस को डिस्ट्रॉय करिए, और पहला टीम इस अंडर वाटर वाले कोसाटका को स्कैन करेगा, दूसरा टीम समुद्र के भीतर पड़े मलबे को। इस तरह दोनों भी टीम अपना अपना टास्क पूरा करके इस मिशन को कम्प्लीट करेंगे। अब बारी आती है द बोगदान प्रॉब्लम फिनाले की, जो की सारे फिनाले में सबसे ईजी है। यहाँ दो टीम है, एक टीम सबमरीन में जाएगी, दूसरा एवेंजर में रुक कर एवेंजर के अंदर से ही परिंदों का शिकार करेगी। सबमरीन टीम का काम भी बहुत आसान है, स्टोमबर्ग से समुद्र के अंदर कोसाटका में घुसना है और बस असल्ट शॉटगन लेकर सबमरीन के अंदर आगे आगे बढ़ते जाना है, जो भी नामुराद सामने दिखेंगे सबको टपकाते जाना है। ये चीजें आप कायो के प्रेप के दौरान ना जाने कितनी बार कर चुके होंगे। इस तरह आपको सबसे नीचे और पीछे यहाँ पहुँचना है, हो गया। दूसरी तरफ चिड़ियामार टीम में आप अपने एवेंजर को कहीं और भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एवेंजर इस जगह से जरा भी नहीं हिलाइए, यही जगह सबसे बेस्ट है। सारे परिंदों के स्पॉन लोकेशन आपको यहीं से दिखेंगे, सेम जगह पर बार बार वो स्पॉन होंगे, स्पॉन होते ही टपकाते जाइए, फिर से स्पॉन होंगे फिर से टपकाइए। फिर जैसे ही सबमरीन टीम कोसाटका से निकलेगा, आप एवेंजर को यहां से उड़ाकर बीच के इस वाले लोकेशन पर लैंड करोगे और फिर से यहां परिंदा मारना शुरू करोगे। एरिया जब सेफ रहेगा, सबमरीन वाला टीम प्लेयर आकर एवेंजर में बैठ जाएगा, फिर आप सभी यहां से रवाना हो जाओगे। इतना आसान है ये फिनाले। तो भाई लोग, यहां पर हमारा डूम्सडे का एक्ट 2 खत्म होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के कुछ काम आए। तो भैया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन दबाइए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ खेलने के लिए आपको दोस्त चाहिए तो हमारा पेड वाला डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है। तो ठीक है भाई लोग, मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और वीडियो में।